मेरा नाम डॉक्टर अमित कुलकर्णी है। जैसा आपको पता है 29th ऑफ अक्टूबर वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। स्ट्रोक हमारे देश में काफ़ी लोगों में देखने को मिलता है। करीबन 1,00,000 लोगों में 120 से 130 लोग इस बीमारी का शिकार बनते हैं। स्ट्रोक एक काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को काम करने में और आगे अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने में दिक्कत आती है। जैसा कि पता है, ज़्यादातर बीपी की वजह से या शुगर की वजह से स्ट्रोक हो जाता है। इसके अलावा हार्ट के कुछ डिसीज़ेस हैं, बीमारियां हैं, जिसकी वजह से भी स्ट्रोक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। स्ट्रोक ज़्यादातर जब खून की नली बंद हो जाती है तो स्ट्रोक होता है, या तो खून की नली फट जाए और अंदर ब्रेन में खून बह जाए, इससे भी स्ट्रोक होने के चांस होते हैं। स्ट्रोक पहले जैसे माना जाता था कि स्ट्रोक के लिए ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अब यह बदल रहा है। स्ट्रोक का अब इलाज भी है, और जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है तो स्ट्रोक के नए नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं। पहले जैसे ब्रेन में अगर खून की नली बंद हो जाए तो उसके लिए जो दवाइयाँ आती थी वो भी काफ़ी अच्छी दवाइयाँ आई है। जैसे कि हमारे पास अब एक इंजेक्शन है जिसके यूज़ करने से तो जो अंदर खून की नली बंद हो जाती है खून के थक्कों से, उसको खोला जा सकता है। और अगर बहुत बड़ा खून का थक्का है तो उसको अंदर जाके एक स्टेंट डाल के स्टेंट रिट्रीवर के ज़रिए निकाला भी जा सकता है। तो इस प्रकार स्ट्रोक के ट्रीटमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होने से इसका रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा है, और अच्छे कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल या शुगर कंट्रोल से ये स्ट्रोक जो होता है उसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। ये सारे ट्रीटमेंट CMC हॉस्पिटल जो है उसमें उपलब्ध है। यहाँ पे 24 घंटे डॉक्टर भी होते हैं जो ये ट्रीटमेंट सब जाया कर सकते हैं। काफ़ी छोटे थोड़े सिम्टम्स हैं इसमें से, इसके अलावा भी काफ़ी सिम्टम्स आ सकते हैं। जो भी अगर किसी को एकदम से कोई दिक्कत आ जाती है तो ज़्यादातर स्ट्रोक होने के चांस होते हैं, तो इसका ज़रूरी इलाज कराना पड़ेगा। जब स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक उसके काफ़ी सिम्टम्स आ सकते हैं। कुछ ऐसे है कि एक पासवा चलना रुक जाए, पेशेंट को बोलने में दिक्कत आ सकती है, देखने में दिक्कत आ सकती है, पेशेंट बेहोश हो सकता है। जब भी किसी को स्ट्रोक के सिम्टम्स आते हैं तो बेहतर होगा तुरंत किसी नज़दीकी अस्पताल में जाए जहाँ पे CT स्कैन का फैसिलिटी हो और आगे स्ट्रोक के ट्रीटमेंट करने के भी फैसिलिटीज़ हो, जहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हों।